यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, चाहे वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक या वेल्डर हो। आईटीआई के सभी ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम ड्राइंग सब्जेक्ट के हेक्सागोन को ड्रॉ करने के लिए बताएंगे, जो हम इसमें पेन के द्वारा बताए हैं, लेकिन आप लोग को एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है। इसका फर्स्ट वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए, हम जो आपको बोल चुके हैं कि आज हम आपको हेक्सागोन के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहले हम उसका क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक हेक्सागोन का निर्माण करें जिसकी भुजाओं का माप 40 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक 40 सेंटीमीटर का एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये 40 सेंटीमीटर का हम भुजा खींच लिए। अब इसमें जो है सो हम दोनों अंतिम पॉइंट को ए मान लेते हैं, इधर इसके अंतिम पॉइंट को बी मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों साइड में 120 डिग्री का एंगल डिवाइडर के द्वारा हम बना लेते हैं। आपका ये 120, ये जो है सो 120 डिग्री का एंगल बन गया, और फिर इसी प्रकार हम इधर भी 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये जो है सो आपका 120 डिग्री का एंगल बन गया, और फिर इसी में हम इसी के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल खींच लेंगे। अब हम दोनों बिंदु से 120 डिग्री का जो 120 डिग्री के एंगल से हम फिर यहाँ से 40 सेंटीमीटर का एक भुजा खींचेंगे। यहाँ से हम नाप लेते हैं 40 सेंटीमीटर कहाँ जा रहा है, इस 120 डिग्री के एंगल से होते हुए इस बिंदु को मिलाते हुए 1 2 3 4, तो यहाँ पे आके 4 हो रहा है, यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, और फिर उसी प्रकार इधर भी हम 40 सेंटीमीटर माप लेते हैं। 1 2 3 4। अब ये जो है सो 90 डिग्री का एंगल को जो है सो हम कट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम इसको आगे मिटा देंगे। तो चलिए, ये हम इसको खींच लेते हैं 90 डिग्री का एंगल, यहाँ से इसी पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल हमको खींचना है। तो यहाँ पे हम खींच लिए 90 डिग्री, फिर उसी प्रकार यहाँ से भी हम 90 डिग्री का खींच लेते हैं। तो हम जो है सो अब 90 डिग्री के एंगल खींच लिए हैं। अब फिर ये जो दो जो पॉइंट लास्ट पॉइंट बना है, यहाँ और यहाँ, इस दोनों पॉइंट पे फिर हम 120 डिग्री का एंगल का निर्माण करेंगे। तो आइए 120 डिग्री के एंगल का हम निर्माण कर लेते हैं। तो ये दोनों जो एंगल बना, 120 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब थोड़ा इसको हम ऊपर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये जो रेखा है सो आगे ऊपर आएगी तो ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर भाग जाएगी, इसलिए इसको हम सब थोड़ा थोड़ा ऊपर और खींच लेते हैं। अब ये जो बिंदु है और ये बिंदु,
और इसको 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 और इसको दोनों को हम स्केल से यहाँ रख के मिला देते हैं। यहाँ ऐसे कर लेंगे, यहाँ देख लेंगे ये जो मेरा जो रेखा जो गुजरना चाहिए, तो यहाँ पे जो हम हमारा जो 120 डिग्री का जो एंगल का निर्माण हुआ है, इसको हम इस बिंदु से लेके इस बिंदु से लेके और फिर इसमें जो है सो मिला देना है। ऐसे करके चेक कर लेना है, ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे ऐसे हम इसको मिला दिए। उसी प्रकार इसको भी वैसे ही कर देंगे। और जब हमारा जब ये दोनों का निर्माण हो चुका है तो हम इस दोनों को जो है सो मिला देंगे। अब ये जो है सो आपका एक पूर्ण हेक्सागोन का निर्माण हो गया है। हम आप लोगों को जो है सो इसमें जो पेन से ड्रॉ किए हैं ये आप लोगों को पूरा क्लियर होके बताने के लिए ड्रॉ किए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में पेन से कभी भी नहीं बनाना है। यदि आप पेन से बनाते हैं आपका ड्राइंग बहुत अशुद्ध हो जाएगा, और जब अशुद्ध होगा तो आपका जो है सो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम में हमेशा कट पेंसिल से ही ड्राइंग को ड्रॉ करना है। तो अब जो ये चारों जो भुजा का जो एंगल बन रहा है ना, इसका हम अब नामकरण कर देते हैं। तो ए यहाँ हुआ, बी यहाँ हुआ, सी डी ई और एफ। अब हम इसके नीचे में लिख देते हैं इसका जो भुजा का जो माप जो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो उसके भुजा का माप 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम एक 40 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच के इसको बता देते हैं कि इसकी जो माप है वो 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो ऐसे हम खींच के मैं बता दिए कि चालीस सेंटीमीटर। अब हम इसके नीचे में लिख देंगे कि ए बी सी डी ई एफ एक हेक्सागोन है जिसकी प्रत्येक भुजाओं का माप 40 सेंटीमीटर है। तो हाँ, हम आपको फिर से इसमें बता रहे हैं कि आपको एग्जाम में कभी भी कट पेंसिल से ही बनाना है, कलम से कभी नहीं बनाना है। और ये जो हम वीडियो आपको बता रहे हैं, यह जो हम कलम से बना रहे हैं, इसका एक पहला वीडियो हम आपको कट पेंसिल से बना के बताए थे, जिसका जो है सो डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के नीचे लिंक में दिया गया है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसी प्रकार ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है।